अभी तक हमने डिफरेंट टेक्निक्स स्टडी की हैं रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर हमने तीन टेक्निक्स uh, स्टडी की हैं वन इज कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग ओवरऑल फैक्टर्स देन वी स्टडीड रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग कैपेसिटी बिल्स एंड द थर्ड वन वाज रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग रिसोर्स प्रोफाइल्स फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमने स्टडी किया ज मीडियम रेंज कैपेसिटी प्लानिंग टेक्निक इसके बाद फाइनाइट लोडिंग हमने स्टडी किया एंड इनपुट आउटपुट कंट्रोल फाइनाइट लोडिंग इसकी जगह uh, आजकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं एडवांस प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के दैट इज बेसिकली शॉर्ट रेंज कैपेसिटी प्लानिंग जो कि शॉर्ट फ्लोर की कैपेसिटी प्लानिंग होती है शेड्यूलिंग के शेड्यूलिंग में आती है आ, तो इसके अंदर सिलेक्ट करना कि कौन सी टेक्निक यूज की जाए आ, उसमें हम देख सकते हैं कि जो रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग की टेक्निक्स हैं उसके अंदर सोफिस्टिकेशन जो है वो तीनों टेक्निक्स में डिफरेंट लेवल का है

इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और इसके अंदर हम प्रोडक्ट मिक्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं जबकि रिसोर्स प्रोफाइल्स इन तीनों में से सबसे सोफिस्टिकेटेड है दोनों के दोनों के मुकाबले में ये वाली टेक्निक इसके अंदर हम लीड टाइम को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं और टाइम स्पेसिफिक लोड डिटर्मिन करते हैं अगर हम देखें जस्ट इन टाइम फैक्ट्री को कौन सा टेक्निक uh, यूज करनी चाहिए तो इसके अंदर क्योंकि जस्ट इन टाइम के अंदर प्रोडक्ट मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्विकली प्रोडक्ट चेंज होता है प्रोडक्शन एस पर रिक्वायरमेंट होती है uh, जो भी डिमांड आ रही है उसके बेसिस पे पुल सिस्टम के बेसिस के ऊपर तो वो दो तीन यूनिट्स के बाद भी चेंज हो जाता है Uh, दूसरे मॉडल प्रोड्यूस होने लग जाता है तो प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज्यादा होता है तो इधर हम कैपेसिटी बिल्स यूज कर सकते हैं बिकॉज कैपेसिटी बिल्स प्रोडक्ट मिक्स को इंकॉर्पोरेट uh, करते हैं और कंप्यूटेशनली इट इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज रिसोर्स प्रोफाइल्स तो रिसोर्स प्रोफाइल्स की जरूरत नहीं है हम कैपेसिटी बिल यूज कर सकते हैं लेकिन अगर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कुछ ज्यादा uh, फर्क नहीं है उनके प्रोडक्शन रेट के अंदर और प्रोडक्ट मिक्स भी सेम ऑलमोस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस केस के अंदर वी कैन इजीली यूज कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग ओवरऑल फैक्टर क्योंकि इस बेसिस के ऊपर हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर जो शॉप फ्लोर है उसको हम उसकी कैपेसिटी डिटरमिन कर सकते हैं जहां तक कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग का ताल्लुक है इसके अंदर दो इश्यूज आते हैं एक तो ये इसके लिए डेटाबेस ज्यादा लार्जर डेटाबेस चाहिए दूसरा इसमें जो कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ जाती है और वो इसको रन करना बहुत एक्सपेंसिव होता है रीशेड्यूलिंग अगर हम फ्रीक्वेंटली करें तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है लेकिन इसके अलावा एक और जो इशू है वो ये है कि ये एमआरपी के साथ यूज हो सकता है एम आर पी मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो हमने स्टडी किया था ये सी आर पी जो है ये एमआरपी के साथ ही यूज होता है उसी के जो फाइल है रिकॉर्ड है वो ये यूज होता है टू डिटर्मिन कैपेसिटी प्लान सो इसके अंदर uh, ये इश्यू आ जाता है कि अगर एमआरपी यूज नहीं हो रही जैसे कि जस्ट इन टाइम में लड़ से नहीं हो रही तो फिर सीआरपी को उधर हम यूज नहीं कर सकते जहां तक एपीएस का ताल्लुक है इट इज बेसिकली एडवांस प्रोडक्शन शेड्यूलिंग तो इसके अंदर एक तो एक्यूरेसी हम बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं अगर डाटा हमारा एक्यूरेट हो बेहतर हो और एक्जीक्यूशन जो है जिसको हम कहते हैं फ्लॉलेस एक्जीक्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट एक्जीक्यूशन हो रही हो तो हम इसके जरिए एडवांस प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के जरिए ज्यादा एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं लेकिन अब मैनेजमेंट ने यह देखना है कि एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईज ऑफ यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वी हैव टू गिव एंड टेक बिटवीन दीज टू फैक्टर्स एक्यूरेसी अगर ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली uh, जो सिस्टम है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर हम सिंपल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो है वो कंप्रोमाइज होगी जैसे मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट मिक्स सिमिलर है थ्रू आउट यूज हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है और उसके अंदर कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर हम लीस्ट uh, सोफिस्टिकेटेड जो मेथड है जो मैनुअली भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग ओवरऑल फैक्टर्स वो हम यूज कर सकते हैं तो डिपेंडिंग कि अपॉन कि किस चीज की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अगर हम एनोलॉजी लें अकाउंटिंग सिस्टम के साथ तो जब अब ट्रायल बैलेंस डेवलप हो रहा होता है तो एक अकाउंटेंट जो है वो पांच पैसे का भी फर्क आ रहा हो तो वो दिन रात लगाएगा जस्ट टू फाइंड आउट कि ये फर्क क्यों आ रहा है ऑन द अदर हैंड एक बिजनेस एग्जेक्टिव है वो कहता है कि जी नाइन्टी परसेंट तक भी अगर एक्यूरेसी है तो दैट्स ओके okay, मुझे बॉल पार्क फिगर बताएं उसके बेसिस के ऊपर मैं डिसीजन ले लूं सो डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है उसके बेसिस के ऊपर एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए जो कि एक्सपेंसिव होगी क्योंकि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा लेट से 95 परसेंट से ज्यादा एक्यूरेसी अचीव करने में प्रॉब्ली डबल टाइम लग जाए 95 परसेंट तक जो एक्यूरेसी हमने यूज की थी तो इस बेसिस के ऊपर इन दोनों चीजों को देखते हुए फिर हमने डिटरमिन करना होता है कि कौन सी हमने टेक्निक यूज करनी है